वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिक्शा डायरीज। मैं आ चुकी हूँ एक और वीडियो लेकर आप सभी के लिए, और आज मैं आई हूँ एक स्पेशल जगह पे हिसार की। जैसे कि आपको पता है कि अब हम काफी सारे फूड ब्लॉग्स लेके आ रहे हैं, और मैं और यूनिक बहुत ज्यादा फूडी है, तो हमें नई नई चीजें ट्राई करना अच्छा लगता है। पीछे सहज शोर कर रही है। तो अभी हम लोग हैं पीएलए में, जो कि हिसार का बहुत ही फेमस जगह है। आई थिंक हिसार में मोस्टली लोगों को पता होगा कि कुछ भी खाने पीने की चीजों के लिए आना है तो आपको कहीं नहीं जाना, आप पीएलए आओ और आपको हर चीज अवेलेबल मिलेगी यहाँ पर। तो आज हम आ चुके हैं पीएलए, काफी बार आए हैं, बट आज मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाने वाली हूँ कुल्लड़ पिज्जा। आई थिंक मोस्टली लोगों ने ये कुल्लड़ पिज्जा नाम सुना तो होगा, और मैं वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, बट कभी हिसार में मैंने कभी नहीं ट्राई किया था। तो पहली बार हिसार में आ चुका है कुल्लड़ पिज्जा, तो आज मैं उन्हीं के पास लेके आई हूँ। तो हम आज आए हैं भैया के पास। तो मैं आपको पहले काउंटर का नाम बता देती हूँ, द फूडीज क्लब करके काउंटर है। तो अभी मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं उनके पास, आपको पूरी बात मतलब ले जाऊंगी, दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं क्या सब चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और जो भी हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए जैसे हमेशा देते आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। वहाँ पे यूनिक खड़ा है, ऑलरेडी सहज ने अपने एक बैलून तोड़ चुकी है, दोबारा ले रही है। तो हम आ चुके हैं द फूडीज क्लब पर, जहाँ पे हमारे मिलता है फेमस कुल्लड़ पिज्जा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बर्गर पिज्जा है, कुल्लड़ मोमोज है, सैंडविचेज है, रेड सॉस पास्ता है, मैगीज है। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर चुकी हूँ दो बार और मुझे बहुत पसंद आया। और अब ये लोग आ चुके हैं पीएलए में, क्योंकि पहले इनका काउंटर था शांति नगर में, तो जहाँ पे मैंने ट्राई किया था। बट अब मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि यार मैं हिसार में जाऊंगी ना, कुल्लड़ पिज्जा खाऊंगी, तो फाइनली मुझे भैया का काउंटर मिल गया है हमारे पीएलए में। तो चलिए भैया इसके पास ही आ जाते हैं। हेलो भैया, सो आपने ये फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हिसार में, क्योंकि दिल्ली एंड गुड़गांव में तो ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं भी 4 साल हमें हो चुके हैं, तो हमने भी कभी नहीं देखा यहाँ पे कुल्लड़ पिज्जा। हमने दिल्ली में जरूर ट्राई किया है, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। तो मैं आज देखना चाहती हूँ, मतलब अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ कि आप कैसे यहाँ पे बनाते हो, क्या चीज है, मतलब उनको भी आके ट्राई करें जो भी हिसार से देख रहे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पे आके जरूर ट्राई करें। तो आपका कोई पेज है कुछ है तो ताकि मैं टैग कर दूं। फूडीज क्लब के नाम से ही इनका इंस्टाग्राम पेज है, तो मैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो भैया आप वहाँ पे डालते होंगे अपना ये सब चीजें, तो हिसार में क्या ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह है? ओके, तो जैसे ही वो हमारा अप्रूवल आ जाएगा तो वो ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें हमारी 2-3 आइटम स्टार्ट हो जाएगी, जैसे पोटैटो ट्विस्टर है, ओके, और जो हमारे अभी तो क्रंची बर्गर भी आएगा जो केएफसी स्टाइल में होता है, और वेफल्स वगैरह सारी चीज स्टार्ट। मतलब काफी सारे ऑप्शन आप ला रहे हो, और मतलब जो मोस्टली हमें बाहर देखने के लिए मिलते हैं, ऐसी चीज लाएंगे क्योंकि लोगों को ये ना लगे काउंटर पे है, लेकिन इसमें ना तो कोई क्वांटिटी से ना क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि पिज्जा तो मोस्टली हर जगह मिल जाता है, बट कुछ वेरायटी चाहिए होती है आज के टाइम में लोगों को। एंड सबसे मेन होता है कि मतलब एक प्रेजेंटेशन बहुत आजकल बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो जो जिसके लिए हम बड़े बड़े क्लब्स हैं लाइक कैफेज में जाते हैं गुड़गांव दिल्ली में, तो वो आज अगर हमें यहाँ पे मिल रहा है तो कम्पीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, चलो ट्राई तो फिर चाहिए। आज मैंने भैया से डिमांड की, वैसे मैंने यहाँ की सैंडविचेस भी खाई हुई है, बहुत ज्यादा फेमस, मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, तो मैंने उस टाइम हमने रैंडमली आपके पास रुक के और हमने ले लिया। मैंने इसको ये भी बोला, मैंने कहा यार ऐसे कैसे, क्योंकि शांति नगर में मुझे लगा कि एकदम से रैंडमली इसने रोक ली, तो बट मुझे बहुत टेस्टी लगा। फिर हमने अपने फ्रेंड्स को भी बताया, तो आई थिंक वो भी आपके पास गए थे, सब आए ना। तो चलो फिर आज दोबारा से बनाते हैं और दिखाती हूँ आपको कुल्लड़ पिज्जा। पहले हम कुल्लड़ पिज्जा के लिए इसके बेस के लिए ब्रेड को कट करते हैं। अच्छा, सैंडविच ओ पिज्जा बेस इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो एक्चुअली हाफ बेक होता है और ये प्रॉपरली बेक है। नहीं नहीं, काफी ज्यादा, मतलब आपका हर एक चीज उसमें ऐसा नहीं था कि कुछ भी बेक नहीं था, बहुत अच्छे से हर चीज थी। तो ऑप्शन तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि यहाँ पे सैंडविचेस वगैरह, मैगी एंड बर्गर सब ये सब अवेलेबल है, और जो बहुत सारे आइटम्स भैया आगे लाने वाले हैं तो आपको काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई एम श्योर बहुत टाइम थोड़े दिनों में ही आपके पास यहाँ पे भीड़ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तो आई थिंक शांति नगर में तो एक आपने मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे काफी लोगों को पता चल गया था, है ना? अभी भी वो कस्टमर्स ऐसे हैं कि फोन कर देते हैं कि भैया हमारा पैक कर देना, हम अभी आ रहे हैं। नहीं, वो तो होता ही है कि भैया देखो स्वाद अगर हमें एक बार लग जाए ना किसी चीज का, तो हमें पता है कि हमें वहीं की खानी है। ये तो
इसमें आपने सारी वेजीज वगैरह डाली है और अपना ये हमारे कॉर्न्स वगैरह हर चीज आप ये चीज है, ये हमारा लिक्विड चीज है, क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम किसी भी चीज से। देख कस्टमर हमारा एग्री हो इसमें हमारा मोटिव नहीं है कि हम पैसे कमाएं, लेकिन कस्टमर को पहले चीज देख मेन तो टेस्ट है, अगर टेस्ट और क्वालिटी अच्छी होगी ना तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर आएगी आपके पास, जैसे कि हम दोबारा चले आते हैं। हम इसको फर्स्टली पहले हमारे गैस पे करेंगे फ्राई ताकि इसका जो चीज है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो वही होली वाले दिन, क्योंकि मोस्टली ना होली वाले दिन ये दिक्कत होती है लोगों को कि पहले में तो काउंटर सुबह सुबह तो होते नहीं जब चाहिए होता है। कस्टमर के यहाँ पे रखे हमने उस दिन की जो हॉलीडे थी वो कैंसिल कर दिया, उस दिन हमें ये है कि एक्स्ट्रा स्टाफ भी हो जाएगा ताकि कस्टमर को भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलो फिर मैं ये होली से पहले ही डाल दूंगी वीडियो ताकि होली वाले दिन भैया का काउंटर ओपन है। अब हम इसको सर्व करेंगे कूलर में। हमारे कूलर में भी 3 लेयर्स में चीज रहेगा। इसमें वेजीज का ऑप्शन कस्टमर के ऊपर है कि वो क्या डलवाना चाहते हैं। यहाँ पे तैयार हो रहा है तो यहाँ पे ओवन में भैया ने रख दिया है, अब 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगी कि कैसा है एंड टेस्ट भी आपको बता ही दूंगी वीडियो में। तो ये स्टार्टिंग में जब आप एंट्री लेते हो सामने है डालमिया, तो आप डालमिया के ब्रदर्स बेकरी के बिल्कुल सामने आपको पड़ेगा अगर आप इधर से आ रहे हैं, अदरवाइज अगर इधर से आ रहे हैं तो डालमिया के ये पूरा रोड है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही भैया का काउंटर है और मैं थोड़ा सा प्राइजेस वगैरह भी दिखा देती हूँ। कुल्लड़ पिज्जा आपका 100 रुपीज है तो ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल लाइक प्राइजेस भी इतने ज्यादा ऐसे कुछ हाई नहीं रखे हुए भैया ने, जो मिनिमम जो नॉर्मल होते हैं। सेम पास्ता के भी ऐसे ही हैं, कुल्लड़ मोमोज भी हैं यहाँ पे। चलो कुल्लड़ मोमोज भी, जो मोमोज लवर है वो जरूर ट्राई करना आके एक बार। और सैंडविच है जो मैंने बताया कि सैंडविच तो ऑसम है एंड कुल्लड़ पिज्जा मैंने ट्राई किया हुआ है बहुत अच्छा है। यूनिक भी आने वाला है, यूनिक को ट्राई कराएंगे, उसको ज्यादा ये सब चीजों का बहुत शौक रहता है। सहज एक और बैलून लेके आ चुकी है। यूना इवन बताए आपका ये कुल्लड़ पिज्जा हमारी सहज को भी बहुत पसंद है, इसने भी बहुत ज्यादा इसको इतना उस दिन हमने खिलाया और मतलब मिर्ची भी कुछ भी नहीं लगा ऐसे, मतलब इसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। शेष क्या खाओगे, देखो टेस्टी टेस्टी आपके लिए क्या बन रहा है। तो इवन बच्चे भी बहुत अच्छे से मतलब सहज एंजॉय कर रहे हैं, तो आई एम श्योर बच्चे भी एंजॉय करेंगे कुल्लड़ पिज्जा। आप जरूर अपने बच्चों को लेके आओ यहाँ पर कुल्लड़ पिज्जा ट्राई करवाओ। देखो यम्मी यम्मी, ये देखो यम्मी यम्मी, ये देखो। अच्छा आओ तो यम्मी यम्मी खाएंगे। तो चलो भाई तैयार हो चुका है। आपने यहाँ पे कुल्लड़ मोमोज ट्राई किए? नहीं मैंने नहीं खाया कुल्लड़ मोमोज। ये दिखाओ उसको पहले, आप ये देख लो। एक तो कुल्लड़ में यार मतलब अलग ही एक फ्रेगनेंस आ जाती है कुल्लड़ में, और वो भी पिज्जा आप खा रहे हो। सर मैं मम्मा खिलाएंगे अभी, दिखाना। ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ चीज, हाथ इधर रखो आप।
ये देखो चीज देखो आप, भैया ने जैसे कि बताया कि तीन तीन लेयर चीज उसमें होता है। मैं ट्राई करती हूँ, रुको आप इधर आओगे। भाई मैं बताती हूँ टेस्ट, मतलब इट्स ऑसम। मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ, पर मैं जितनी बार ट्राई करती हूँ स्वाद है यार। तभी हम यहाँ पे आए हैं। मैं आज ही यूनिक को बोल रही थी कि मुझे उन भैया के पास ले चलो, मुझे कुल्लड़ पिज्जा खाना है, और इत्तेफाक से हमें पीएलए में भैया मिल गए। बहुत ही ज्यादा मतलब ऑसम है यार। जो पिज्जा लवर है उनको पता होगा, बट कुल्लड़ में एक अलग ही स्वाद आ जाता है। अब दिन ट्राई करेगा सहज को, खिला दो थोड़ा सा। इसका अलग ही स्वाद है कुल्लड़ का। इवन सहज को भी पसंद आता है। कोई गुलम थी। बट यम्मी लग रहा है इसको। सहज यम्मी है। ये देखो आप चीज की लेयर देखो, दिखाना अंदर तक। और सारी वेजीज वगैरह हर चीज है प्रॉपर। लो खेदले यम्मी तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज गाइस एक बार आके जरूर ट्राई करो। मतलब चीज ना वर्थ इट है, पैसा वसूल चीज है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे और भी चीजें हैं, तो आप वो भी चीज ट्राई करना। हम कभी और आके कुछ और ट्राई करूंगी। मैं यहाँ पे रेड सॉस पास्ता भी ट्राई करूंगी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और अगर आप हिसार से तो प्लीज एक बार जरूर आइए। एंड मैं टैग कर दूंगी भैया का पेज, तो आप उन्हें वहां पर भी उन्हें मेंशन कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। बस चलते हैं, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। और फिर होली वाले दिन में कुछ ट्राई करेंगे, रेड सॉस पास्ता करेंगे, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं अपनी वीडियो, और फिर मिलेंगे। हाँ ओपन है, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो फिर भैया होली वाले दिन ऑर्डर वो ऑनलाइन डिलीवरी पे करा दो, सही हो जाएगा। स्विगी वगैरह पे भैया ने वो डाल रखा है ना ऑप्शन। हाँ तो अगर आ जाता है अप्रूवल तो वैलेंट गोल फिर तो आप और आराम से ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो। तो चलिए फिर करते हैं अपने वीडियो का एंड। हम तो मजे लेते हैं अपने पास्ता का, वो पिज्जा का सॉरी। तो आप ही आइए जरूर और ट्राई कीजिए। पीएलए में है, जैसे कि मैंने आपको एड्रेस बता दिया है, ब्रदर्स बेकरी के बिल्कुल सामने आप आ सकते हैं। स्टार्टिंग में ही इनका काउंटर है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग यूनिक्शा डायरी।